हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रसाद ट्रैवल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये मेरा भांजा है यू, आप सभी इसे जानते हैं। और आज है 11th of April 2020। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जो कि है उसके वजह से इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में आज क्या सिचुएशन चल रही है, तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप इस सिचुएशन की जो गंभीरता है उसे समझें। और हमारे गवर्नमेंट ने जो हमें कहा है, जो प्रिकॉशंस लेने कहे हैं, वो तो प्लीज़ आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए। ताकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, सिर्फ मुझे इतना पता है कि जो पेशेंट का जो फिगर्स आ रहे हैं दिन ब दिन वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ना कि डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो मुझे इतना पता है कि वो, इतना तो मैं जानता हूँ कि वो जो फिगर्स है वो बढ़ने नहीं चाहिए, वो कम होने चाहिए, तभी हमको इस लॉकडाउन से बाहर निकलने में आसानी होगी। जैसे कि अभी आप सभी जानते हो कि 14th of April तक हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, पर एज़ पर फिगर्स देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये लॉकडाउन 14th of April के बाद खुलेगा। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन खुलता है 14 अप्रैल के बाद तो लोग ऑफकोर्स बाहर निकलेंगे, मतलब पूरे जहाँ पे भी पब्लिक एरियाज है वहाँ पे गर्दी होगी, और गर्दी के वजह से आपको पता है इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। तो इसी वजह से आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन थोड़े दिन और बढ़ेगा, जब तक कि पूरे जो पेशेंट्स का जो सिलसिला चल रहा है, मतलब फिगर्स बढ़ने का, वो जब तक कंट्रोल में नहीं होता तब तक आई थिंक सो ये लॉकडाउन बढ़ेगा। और हमारे में, हम इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट को क्या सहायता कर सकते हैं कि हम जितना घर पे रहना चाहिए उतने हम घर पे रह सकते हैं, ज़्यादा बाहर मत निकलिए। क्योंकि अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो ही आप बाहर जाइए, वो भी प्रिकॉशन के साथ। जैसे कि आपको जाना है बाहर तो मास्क लगा के जाइए, मास्क नहीं है तो आप एक रुमाल बांध सकते हैं, रुमाल बांध के जाइए। और जैसे जहाँ भी आप बाहर जा रहे हो तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके कुछ खरीदे या कुछ बात कीजिए। क्योंकि आजकल मैं न्यूज़ में भी मैंने बहुत बार देखा है कि लोग सब्ज़ी का जो बाज़ार भरता है उसमें जाके गर्दी कर रहे हैं और गर्दी में ही सब्ज़ी खरीद रहे हैं। और दूसरी बात तो ये, जहाँ डीमार्ट में कूपन बट रहे हैं वो कूपन खरीदने के लिए इतनी भीड़ जमा हो रही है, तो कूपन देने का कुछ मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्योंकि अगर कूपन में ही गर्दी हो रही है तो फिर मतलब क्या है, वैसे ही अंदर छोड़ दो एक एक को। तो ये सीधी सोचने वाली बात है कि कूपन सिस्टम क्यों चालू किया है। तो मैं सिर्फ डीमार्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने न्यूज़ पे जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ। सब्ज़ी का जो बाज़ार भरता है उसमें भी लोग गर्दी कर रहे हैं। तो मतलब लॉकडाउन का मतलब क्या है, अगर लॉकडाउन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है तो हमको उसको मतलब सीरियसली लेना चाहिए, तो हमारे सेफ्टी के लिए, ना कि गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ लॉकडाउन कर दिया है, कुछ रीज़न होगा उसके पीछे। तो आप जितना हो सके जो रूल्स है उसको फॉलो कीजिए, ताकि वो हमारे सेफ्टी के लिए है। और जितना हम रूल्स फॉलो करेंगे उतना जल्दी सिचुएशन कंट्रोल में हो सकता है और हम जल्दी लॉकडाउन से निकल सकते हैं। तो अगर मेरे व्यूवर्स, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ये फॉलो कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकें। और मैं 19th of March 2020 से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, और आज 11 अप्रैल है, तो आई थिंक सो 14 अप्रैल के बाद भी ये वर्क फ्रॉम होम बढ़ सकता है, पता नहीं अभी क्या होगा, पर आई थिंक सो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं इतना ही चाहता हूँ कि सारा जो सारे लोग हैं वो सेफ रहे, खुश रहे, और ये कोरोना वायरस का जो चल रहा है ये जल्द से जल्द पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। मुझे पता है इतना आसान नहीं है, बट होगा, कभी ना कभी तो होगा, और जल्दी से जल्द हो, यही मेरी दुआ है। तो बस मैं आज का वीडियो बनाने का यही रीज़न था कि मेरे जो व्यूवर्स है या मेरे फ्रेंड्स कोई भी ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ आप सेफ रहिए, घर पे रहिए, और थोड़े से रूल्स फॉलो कीजिए ताकि हमें इससे परेशानी ना हो और हमारे वजह से दूसरों को परेशानी ना हो, इसका आप ख्याल रखिए। क्योंकि ये बीमारी ने बहुत लोगों को नुकसान पहुँचाया है और बहुत फैमिलीज भी इससे डिस्टर्ब हो चुकी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसके बारे में, पर आप सोचिए कि मतलब आप पे ऐसे वक्त ना आए या हम पे ऐसा वक्त ना आए, तो इसके वजह से हमको ये थोड़ा सा फॉलो करना ही होगा। क्योंकि अगर नहीं फॉलो करेंगे तो नुकसान हमारा ही है।
ठीक है, तो अगर आपको मेरे किसी बात का बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मुझे ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए था, बट मुझे ये सिर्फ मैसेज देना था कि आप सेफ रहिए ऐसा और थोड़े रूल्स फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ और फिर से एक बार कहता हूँ कि स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड प्लीज़ हमारे गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो फॉलो कीजिए और इससे जल्द से जल्द हम बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को शेयर भी करिए। हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। बाय।